दिन छड़ के एक दिन आने अं घर अपना गुरुद्वारे च लंगर बना के सारी संगत पिंड की संगत नाल ते संजोग नाल लंगर लैके आने सरकार ने पहला साढ़े नाल धोखा किया उस धोखे तो मद्देनजर रखते हुए असी हुण दोबारा संघर्ष शुरू किया पर साडी संघर्ष की प्राप्ति होएगी करके ही रहा हुण भी तकरीबन अद्धा दर्जन के करीब जिहड़े किसान ने इस दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं कि कुरबानियां देने नाल ही मसले हल होंदे ने कदे गलबात दे नाल ही मसला सोर्ट आउट हो सकता। देखो जी पहला ऑप्शन तो सरकार नूं गलबात दा ही सी पर सरकार उस गलबात दे राही किसी हल ते नहीं पहुंची जिसके कारण सानू शहीदियां देनियां पईयां ने अपने हक्कां दे लई संघर्षां दे लई शहीदियां देनियां पैंदियां शहीदियां दा मुल पैंदा है। सत श्री अकाल जी हमदर्द टीवी देख रहे हो तुसी इस वेले असी शंभू बॉर्डर के उपर मौजूद हाँ जिथे कि किसानों का पिछले 16 दिनों तो धरना लग्या होया है ते किसान इतने शांतमय तरीके प्रदर्शन कर रहे हैं तस्वीर थोड़े नाल सांझियां कर रहे हैं जिथे कि एक ट्राली के जिहड़ा कि लंगर प्रसाद तैयार करके किसान वीरां दे लई लिआंदा गया जिहड़ा कि इत्थे अपने हक्कां नूं लैके डटे हुए हैगे ने गर्मा गर्म प्रसादा हो गया हलवे का प्रसाद हो गया तो मटर पनीर की सब्जी हो गई यह जिहड़े कि हत्थी तैयार करवा करके जिहड़े कि इत्थे लैके पहुंचे है गलबात भी कर लैने की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी कितों आए हो तो किहड़ी जगह तो लंगर प्रसाद लिया तैयार किया गया? अही वाहेगुरु जी यही पिंड मट्ठी जिला फतेहगढ़ साहब ब्लाक खेड़ा तो उत्थे एक दिन छड़ के एक दिन आने अं घर अपना गुरुद्वारे च लंगर बना के सारी संगत पिंड की संगत नाल ते संजोग नाल लंगर लैके आने तो अज तकरीबन 16वां दिन चढ़ गया है तो 16 दिन तो इतने जिहड़ा कि किसान वीर ने डटे हुए ने तुसी इत्थे रोज़ इत्थे सेवा करन दे लई धरने शामिल होने लई आउंदे प्रसादा तुसी एक दिन छड़ के लैके आउंदे पर मोर्चे ते रोज़ शामिल होंदे? हाँ जी हाँ जी पक्का साढ़े पिंड दे बंदे जवाक लड़के लड़कियां बजुर्ग माता आउंदियां ने रोज़ ये मोदी सरकार है अही पहला भी दिल्ली धरना लाया हैगा जिस तरह के नाल पहला भी जो कि काफ़ी वड्डा संघर्ष होया सी मौजूदा स्थिति नूं लैके तुसी की समझदे हो कि किस तरह के नाल जो कि मोर्चा लगे हुआ पहला भी मोर्चा फतेह होया सी ते इस बार भी चढ़दी कला दे विच जी पूरी चढ़दी कला च जी जिस तरह पहला मोर्चा फतेह होया इस तरह भी उसे जित के जावांगे जी। पहला तो सहमति देती सी पर मंगा फिर नहीं मनिया गई जिस नूं लैके हुण दोबारा तो यह करना पै रहा सब कुछ? देखो जो सरकार ने पहला साढ़े नाल धोखा किया उस धोखे नूं मद्देनजर रखते हुए असी हुण दोबारा संघर्ष शुरू किया पर साडी इह संघर्ष की प्राप्ति होएगी करके ही रहांगे। बाकी ये किसान वीरां दा जिहड़े जज्बे तों सलाम है जिहड़े कि दिन रात इत्थे अपने हक्कां नूं लैके डटे हुए ने तुसी लंगर प्रसादा तैयार करके लवाने कित्थों लैके आउंदे हो जी? साडा पिंड मट्ठी है जिला फतेहगढ़ साहब क्योंकि साडे भरा इत्थे बैठे ने साडा भी फर्ज आ कि असीं उहनां दे मोढे दे नाल मोढा जोड़ के खड़ीए जी। बाकी जदों हक्कां दी गल आउंदी है किसान वीर संघर्ष करदे ने तां ऑटोमैटिकली जिहड़ा कि उहनां नूं भरमा हुंगारा मिलदा है पिछे पहला थोड़ा जिहा मिठा हो गया सी अंदोलन पर जदों नौजवान की शहादत तो होंदी है फिर वाहेगुरु ने चढ़दी कला च करता मोर्चा। देखो जी जो पिछले दिन शुभकरण सिंह की शहादत तो हुई है उस दे नाल जिथे मोर्चे के उत्साह आया उस सरकार के विरुद्ध भी संगतों के गुस्सा आया उस गुस्से के प्रति जो मोर्चे के दोबारा उत्साह आया सारी उस शहीदी की देन है। बाकी ये जो कहते हैं कि जो कोई भी मोर्चा होंदा जां संघर्ष होंदा तां कुरबानियां देनियां पैंदियां तां ही हक मिलते हैं पहला भी जिहड़ा कि 700 तो वध किसानां दी शहादत हुई सी हुण भी तकरीबन अद्धा दर्जन के करीब जिहड़े किसान ने इस दुनिया तो रुखसत हो चुके ने कि कुरबानियां देण दे नाल ही मसले हल होंदे ने कदे गलबात दे नाल ही मसला सोर्ट आउट हो सकदा? देखो जी पहला ऑप्शन तो सरकार नूं गलबात दा ही सी पर सरकार उस गलबात दे राही किसी हल ते नहीं पहुंची जिसके कारण सानू शहीदियां देनियां पईयां ने अपने हक्कां दे लई संघर्षां दे लई शहीदियां देनियां पैंदियां शहीदियां दा मुल पैंदा है। बाकी ये जिहड़ा कि किसानां दे वल्लों अपने जदों हक लैण दे लई संघर्ष विढ़िया जांदा तां उदों शहादतां कहिंदे देणे पैंदे ने हक अपने लैण दे लई सो ये देखो किस तरह दे नाल ये वड्डी जिहड़ी है ट्रॉली हैगी है इस दे विच जिहड़ा कि लंगर प्रसाद तैयार करके लिया जांदा फतेहगढ़ साहब दे पिंड दे विचों सो किन्ने क बंदा रोजाना इत्थे तुहाडा लंगर लगदा जी? रोजाना 400-500 बंदे दा असीं लंगर लैके आउंदे जी। तो पूरा पिंड का लोग सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग दे रहा पिंड देखो लंगर संगत छक रही है सारे पिंड के बीबिया बच्चे भी आए हुए हैं साडे नाल सारा नगर वध तो वध सहयोग मोढ़े दे नाल मोढ़ा देख जोड़ के दे रहा है तो पूरा पिंड साथ दे रहा है साडा पिंड का बहुत सहयोग है जी साडे एक एक मुठ हो के चलते असीं। हाँ जी बाकी गल इस तरह देखो मेरी गल जिहड़ियां मंगा मन्नियां उन्होंने लागू कर देण जे गरंटी गरंटी हर थां गरंटी गरंटी कहिंदा कदी गरंटी है मोदी साहब की कदी गरंटी है जी हैं ए ए मतलब सब झूठ गल ने असी असी मेरी असी असी लड़न तो नहीं उन्होंने आए हैं अभी तो मतलब गलबात ना मसला अपना हक मंग रहे हैं कि वड्डी गल है। तो बाकी जो गलबात नाल मसले हल नहीं होंगे तो इस तरह के संघर्ष विढ़न के लिए मजबूर होना पैंदा सो पिछले तकरीबन
15 दिन हो चुके हैं, 16वें दिन दे विच किसान अंदोलन दाखिल हो चुकिया हैगा आ। ये जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझे करे, जिथों तक तुसीं नज़र मारोंगे किसानां दीआं जिहड़ियां कि ट्रालियां ही ट्रालियां नज़र आउणगीआं, अते वड्डा जिहड़ा कि इकट्ठ इस समय शंभू बॉर्डर दे उपर देखण नूं मिलिआ। कोई भी किसान वीर भुखा ना रहे, उसदे लई जिहड़ा कि लंगर दा भी इंतजाम कीता गया हैगा। सो जिहड़ा कि कल दा दिन बेहद अहम हैगा, क्योंकि कल जिहड़ा कि अगली रणनीति किसान अंदोलन की है उसका ऐलान किया जाएगा। सो की अज जथेबंदियों के वलों फैसला किया जाना इस संबंधी जो कि बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझी की जाएगी। सो शंभू बॉर्डर के उपरों जो तुम्हें लाइव तस्वीर दिखा रही हैं, तो पूरा जो कि भरमा इस समय किसानों के अंदोलन में हुंगारा मिल रहा है, तो वही गिनती किसान इतने वीर मोर्चे के शामिल होए हुए हैं। मैं इजाजत, धन्यवाद।